जय भीम, पूरे दिल से जय भीम। बहुत फख्र होता है टिस के साथियों और मित्रों को देखकर, खासकर इसलिए कि आप उनमें से हैं जिनसे खुद को पूरी दुनिया का नियंता और निर्माता समझने वाले ब्रह्मा जी डरते हैं। JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, हैदराबाद, टिस, ये ऐसे नाम हैं जिन्हें सुन के हमारे ब्रह्मा जी की नींद उड़ जाती है और अपनी साजिशों के सारे बगनखे खोलकर उसमें अपने सारे मीडिया श्वानों को साथ लेकर वे शिकार पर निकल पड़ते हैं। और मज़े की बात यह है कि हर बार हार के ही लौट के आते हैं। अंधेरे के सौदागरों को इसी तरह हराते रहिए, ज्ञान की मशाल को इसी तरीके से जलाते रहिए, जागते रहिए और जगाते रहिए। आज का दिन बाबा साहब की जयंती का दिन है और इसे दो नाम से मनाया जाता है। कुछ लोग इसको समानता दिवस भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ज्ञान दिवस कहते हैं। और ये जो ज्ञान दिवस है, मुझे लगता नहीं है कि ब्रह्मा जी की जो पायरेटेड कॉपी है उनका जो ज्ञान या पढ़ाई लिखाई के साथ कोई रिश्ता है। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की रिडिल्स इन्होंने पढ़ी होती तो इन्हें पता होता कि जिन ब्रह्मा को जो लोग समूची सृष्टि का, पूरी कायनात का निर्माता मानते हैं, वे भी उनकी पूजा नहीं करते। उनको भी इतिहास के एक ग्रामेटिकल मिस्टेक के रूप में ही दर्ज करेंगे। वो ये मानेंगे कि ये भी उम्मीद है, अब कैमरा ठीक आ रहा होगा, इनको भी इतिहास एक ग्रामेटिकल मिस्टेक के रूप में दर्ज करेगा। यही नोट करेगा कि हिंदुस्तान के कुछ मनुष्य थे जिनसे एक बार EBM का बटन दबाते हुए कुछ बड़ी भारी गलती हो गई थी और नतीजे में ये नए ब्रह्मा जी पैदा हो गए थे। खैर, ये छोड़िए इन सबको। आज हम बात एक ऐसी शख्सियत की करना चाहते हैं जिसके बारे में बिना किसी हिचक के ये कहा जा सकता है कि यदि वे नहीं हुए होते तो आज हिंदुस्तान जैसा है, जम्मू द्वीप भारत खंडे में रहने वाले हम लोगों की हालत जो थोड़ी बहुत जैसी है वैसी नहीं हुई होती, और इसे जैसी हम बनाना चाहते हैं, ये जिस तरीके की होनी चाहिए उस तरीके की अगर हम बनाना चाहेंगे कभी भी, उस तरीके की बनाने वाली जो कोशिश होगी उसके लिए इनकी आवश्यकता होगी। एक व्यक्तित्व के रूप में, एक आंदोलनकर्ता और संगठनकर्ता के रूप में, और एक विचार के रूप में। और जब भी ऐसी लड़ाइयाँ जारी होंगी तो बाबा साहब हमारे झंडे पर होंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बाबा साहब का नाम और संबोधन उनके खास सहयोगी कॉमरेड R.B. मोरे ने दिया था। R.B. मोरे उनके बहुत नज़दीकी साथियों में से एक रहे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में जब वो शामिल हुए तब उन्होंने बाबा साहब के साथ संवाद किया और बाबा साहब से सहमति लेने के बाद ही वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद भी उनके आंदोलन के हिस्से रहे। बाबा साहब इस मामले में अत्यंत लोकतांत्रिक थे और मिशन के प्रति संबद्धता एक अलग थी और राजनीतिक रूप से संबद्धता दूसरी बात माना करते थे। मेरा मानना है कि बाबा साहब के दो बड़े रूप हैं। इन दोनों बड़े रूपों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। एक रिफॉर्मर और थ्योरेटिशियन अम्बेडकर हैं, एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन अम्बेडकर हैं। और जो रिफॉर्मर और थ्योरेटिशियन अम्बेडकर हैं वो इस हिंदुस्तान में लंबे समय तक प्रासंगिक रहेंगे क्योंकि इस देश की तमाम सारी पहेलियों का हल उनके पास है। बाबा साहब भारतीय समाज के वो पहले व्यक्ति और विचारक हैं जिन्होंने उस सदियों पुरानी पहेली, जाति की पहेली को सबसे तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझा, और केवल समझा ही नहीं बल्कि उससे मुक्ति पाने के रास्ते भी ढूंढे। ऐसा नहीं है कि उसके पहले जाति को लेकर कोई चेतना पैदा नहीं हुई हो या जातिवादी शोषण के खिलाफ कोई आंदोलन या संघर्ष नहीं हुए। बहुत सारे हुए। ज्योतिबा फुले उनमें से एक बहुत बड़े नाम है, सावित्री फुले, फातिमा शेख। लेकिन बाबा साहब ने उसका जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया, जो तार्किक विश्लेषण किया, वो एक आगे की बात थी। और उस मामले में उनसे ज़्यादा बेहतर जाति के
स्ट्रक्चर को और जाति के खात्मे को, इन दोनों चीज़ों को व्याख्यात करने वाला दूसरा व्यक्ति नहीं था। इस मामले में दुर्भाग्य ये हुआ कि जिन लोगों ने बाबा साहब को जातियों के प्रतिशत की गणना के कैलकुलेटर, ईवीएम मशीन के बटन और पद प्रसिद्धि पाने के एटीएम कार्ड में बदल दिया, उन्होंने बाबा साहब का एक नया रूप बनाने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों का दुर्भाग्य यह है कि बाबा साहब इतनी विराट शख्सियत है, इतने विशाल काय हैं कि उन्हें किसी साँचे में बांध के नहीं देखा जा सकता। उनका अनोखा योगदान क्या है? मेरे हिसाब से उनके तीन अनोखे योगदान, और इसी वजह से उनका आज रिलेवेंस भी है, और वो जो पर्सपेक्टिव हमें देखे गए हैं, वो जो समझदारी हमें देखे गए हैं, वो आज भी उसी लिए इसी मामले में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक भी है। पहला तो उनका ये योगदान है, एक बड़ा योगदान जिसे लेके इस देश में उनके बाद भी काफ़ी लंबे समय तक बहस चली कि ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, और वो ये है कि उन्होंने वर्ण और वर्ग, इनके द्वैत को समझा। उन्होंने माना कि इनके द्वैत के बावजूद इनका एक अद्वैत है, ये दो अलग अलग दिखने के बावजूद भी इनमें कहीं ना कहीं ऐसी ओवरलैपिंग है, इनमें कहीं ना कहीं ऐसी अंतरंगता है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा संबंध है जिस संबंध के चलते इन दोनों चीज़ों के समाधान के रास्ते एक ही तरह से निकलेंगे। और ये केवल हाइपोथीसिस नहीं थी, उन्होंने अपनी पहली राजनीतिक पार्टी 1938 में बनाई थी, और उस राजनीतिक पार्टी का नाम उन्होंने रखा था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उसका झंडा लाल था, और उसके घोषणा पत्र में उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था कि भारतीय जनता की बेड़ियों को तोड़ने का काम तभी संभव होगा जब आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की असमानता और गुलामी के साथ एक साथ लड़ा जाए। वो मार्क्सिस्ट नहीं थे, वो फेबियन थे, और इसीलिए क्लास की जो क्लासिकल डेफिनेशन है, उस तरीके की परिभाषा है, उस तरीके के जॉर्गन में बात नहीं की उन्होंने, लेकिन अंततः उनका जो सार था वो यही था कि वर्ण और वर्ग की एक पारस्परिक पूरकता भी है इस देश में, एक ओवरलैपिंग भी है, और ये कोई सदाशयता से निकली हुई बात नहीं थी। आज आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम अगर देखते हैं और वो $55 बिलियनर्स की सूची में जब हम झांकने की कोशिश करते हैं, तो ये कोई संयोग की बात नहीं है कि उसमें एक भी दलित नहीं मिलता, एक भी आदिवासी नहीं मिलता। और जब हम इस देश के सबसे वंचित लोगों की सूची तैयार करते हैं और उसमें जाकर झांकने की कोशिश करते हैं, तो 85% 90% से ज़्यादा वही लोग निकल कर आते हैं जो शास्त्रीय अर्थों में या मनु महाराज के अर्थों में शूद्र हैं, अतिशूद्र हैं या वंचित जातियों के लोग हैं। इसलिए उनकी जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाली समझ थी, उस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाली समझ में उन्होंने इस बात को सही समझा था, और ये कहा था कि हमें दोनों के साथ मिलकर ही एक साथ लड़ना पड़ेगा, तभी हम इस तरीके के सामाजिक शोषण की और आर्थिक शोषण की स्थिति से मुक्ति पा सकते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने हम अगर उनके जीवन की सक्रियता के आयामों को देखते हैं, तो एक तरफ वो महाड़ का सत्याग्रह कर रहे हैं, चावदार तालाब के पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मनु की किताब जला रहे हैं, थ्योरेटिकल लेवल पर ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहे हैं, गांधी के साथ तीखी बहस कर रहे हैं, लेकिन इसी के बीच बीच में वो ट्रेड यूनियन का काम भी कर रहे हैं, और ट्रेड यूनियन को संगठित करने के लिए, चाहे वो रेलवे के ट्रेड यूनियन हों, चाहे वो बॉम्बे टेक्सटाइल के वर्कर्स हों, चाहे वो नागपुर के वर्कर्स हों, उनके बीच में मजदूरों की लड़ाई को लड़ने का समय भी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने वर्ण और जाति ये सवाल को लेकर और वर्ग के सवाल को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष संगठित किया था, जो मुझे लगता है कि उनकी उस चेतना का निरंतरता थी जिसमें वो ये मानते थे कि इन दोनों के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए। इन दिनों वो बहुत याद आ रहे हैं, अभी 3 दिन पहले तो बहुत ही शिद्दत के साथ याद आए। हमने एक अखबार में पढ़ी, दिल्ली के एक अखबार में, कि मोदी जी की सरकार कोरोना की आपदा का, इमरजेंसी का फायदा उठाकर काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 करने जा रही है, और इसके लिए फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 51 में वो संशोधन करने का फैसला उन्होंने ले लिया। ये वही कानून है जो वायसराय की काउंसिल के लेबर मेंबर के रूप में 27 नवंबर 1942 को बाबा साहब ने प्रस्तुत किया था। ये पहला समय था जब इस देश में पहली बार 8 घंटे काम को कानूनी दर्जा मिला था।
इसके पहले 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे काम के घंटे कुछ भी हो सकते थे, उन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब उनकी अगुवाई में 8 घंटे के काम के दिन के कानून को पारित किया गया। तो केवल इतना ही नहीं, उन्हें मालूम था कि इसकी आड़ में कुछ और भी किया जा सकता है। तो उस बिल को उन्होंने पेश करते हुए उन्होंने ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि 12 घंटे के 8 घंटे काम हो जाए, कि 12 घंटे के लिए उनको जो वेतन मिला करता था उस वेतन में किसी तरीके की कटौती नहीं होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे 10 बजे कि मजदूरों को काम से मत निकालिए। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, लाखों की संख्या में मजदूर पलायन करके चले गए, आप काम से न निकालने की बात कर रहे हैं। बाबा साहब थे जिन्होंने उस जमाने में उसके अगले दिन 28 नवंबर 1942 को एक और कानून पेश किया था जिसका काम था नाम था न्यूनतम वेतन कानून, जिसमें यह तय किया गया था कि उनको कितना वेतन, कम से कम कितना वेतन दिया जाएगा, और उस वेतन का वैज्ञानिक आधार भी तय किया गया था। ये उसी समझदारी का विस्तार है कि वर्ण और वर्ग, आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण के खिलाफ लड़ाइयां एक साथ लड़ी जा सकती हैं। इसी के साथ मैटरनिटी लीव का कानून, महिलाओं के लिए, महिलाओं कामगारों के लिए कानून, और तो और ये जो समान काम के लिए समान वेतन का कानून जो अमेरिका में आज 2020 में भी लागू नहीं हो पाया है, वो कानून भी 1942 से लेकर 1946 के बीच में जब वो वायसराय की लेबर काउंसिल के मेंबर रहे उस जमाने में उन्होंने इस कानून को बनाया था। अंडरग्राउंड कोयला खदानों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी कानून बनाए थे। ये डिटेलिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज जब इन सबको छीनने की और पूरी की पूरी बेशर्मी के साथ हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास को कॉरपोरेट की शार्क और वेल मछलियों के सामने टुकड़े टुकड़े करके डालने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब प्रासंगिक भी हैं और आंदोलनों के हमसफर भी हैं। बहुत सारे विद्वान पूछते हैं कि बाबा साहब गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्यों गए थे, जबकि असल सवाल ये होना चाहिए कि वहां पर जाकर वो कर क्या रहे थे, और उन्होंने जो किया है वो आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार के बहुत सारे श्रम कानूनों का आधार बना। और ये अकेला उदाहरण नहीं है, ये एक विचार की निरंतरता है, एक कंटिन्यूटी है जो बाद में संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी हमें दिखाई देती है। संविधान में ये प्रस्तावित किया जाता है कि आमदनी के अनुपात में 1 और 10 से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर किसी की 100 रुपये की आमदनी है तो न्यूनतम आमदनी कम से कम 10 रुपये की होनी चाहिए। उसमें यह प्रावधान किया गया है कि नीतियां इस तरीके से बनाई जानी चाहिए जिसकी वजह से दौलत का, संपदा का और संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, बल्कि जो अर्जित किया गया है, जो पैदा किया गया है, उसका जनता के बीच में अधिकतम विकेंद्रीकरण होना चाहिए, बंटवारा होना चाहिए। विडंबना यह है कि आज सत्ता में वो लोग हैं जिनके लिए देश के विकास का मतलब है कुछ घरानों की रईसी, और जिनके लिए राष्ट्रवाद का मतलब है कॉरपोरेट ही माता च पिता त्वमेव, जिनके लिए सारे नीतियों का जितना भी सरप्लस है, देश की जनता का जितना भी पैदाइश है, वो सारी की सारी पैदावार का हिस्सा अडानी और अंबानी के खाते में या अमेरिका के कॉरपोरेट्स के खाते में जमा हो जाए, वो ऐसे लोग आज सरकार में आकर बैठ गए। तो ऐसी स्थिति में बाबा साहब के वो काम और बाबा साहब का संविधान में उस तरीके का योगदान एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारे सामने रखता है कि अभी हमें इसे हासिल करना है, और जब तक इसे हासिल किया जाएगा जाहिर सी बात है कि बाबा साहब हमारे झंडे पर हैं। लेकिन उन्होंने केवल जाति का क्लास नहीं देखा, मेरे ख्याल से वो इंडियन थ्योरेटिशियंस में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जाति का जेंडर भी तलाश किया। 1928 में जब कोलंबिया की 1938 में जब कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी थीसिस सबमिट की थी, उस थीसिस में उन्होंने इस बात को लिखा था कि जाति की मुख्य विशेषता है जाति के अंदर ही शादी करना, जाति के बाहर शादी करने पर निषेध है। और केवल जाति के अंदर शादी करने पर निषेध नहीं है, अपनी मर्जी से शादी करने पर भी निषेध है, और हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए प्रेम करने पर भी निषेध है। हम जितने भी ग्रंथ उठाकर देख लें, हम जितने भी पुराण उठाकर देख लें, हम जितनी भी स्मृति संहिताएं हैं,
उनको उठाकर देख ले तो हमको लगता है कि उसमें बाकायदा इसी तरीके की कोशिश की गई है और जितनी भी परंपराएं बनाई गई बाद में वो भी उसी तरीके के नुस्खे थे ताकि जाति के अंदर ही स्त्री शादी करे। ये बाल विवाह क्या होता था, 6 महीने की उम्र में, 2 साल की उम्र में शादी कर देना, मतलब उसको प्रेम के अधिकार से और अपनी पसंद के जीवन साथी के चयन के अधिकार से हमेशा के लिए वंचित कर देना। विधवा विवाह पर रोक क्यों लगी थी कि उसके बाद भी कहीं ये अगर संभावना अगर पैदा हुई कि जाति के बाहर अगर शादी कर लेंगे तो क्या होगा, सती प्रथा क्या थी। इस तरीके से ये जाति की पूरी संरचना को बनाए रखने के लिए स्त्री को किस तरह से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया है, ये पूरी की पूरी समझदारी वो लेकर आए और इसीलिए उन्होंने इस बात को बेहतर तरीके से मार्क किया था कि जाति के खिलाफ लड़ाई अगर लड़नी है और जाति शोषण से अगर बाहर निकालना है तो उसकी दीर्घायुता अगर जेंडर है तो उस जेंडर के सवाल को लेके हमें आगे आना होगा। और अपने जमाने के पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित अपने जमाने के सारे प्रमुख और बड़े राष्ट्रीय नेताओं में वो अकेले थे जिन्होंने महिला मुक्ति की लड़ाई के सवाल को हमेशा प्राथमिकता में रखा, उसके लिए लड़े और जरूरत पड़ी तो नेहरू के मंत्रिमंडल की कैबिनेट से भी त्यागपत्र देकर बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने समर्पण या समझौता नहीं किया। 1951 में हिंदू कोड बिल को संसद में रखते वक्त और उसके बाद में जवाब देते वक्त, ये सब हमारे दस्तावेजों में मौजूद है, उस पर उन्होंने, उस बहस में उन्होंने जिस तरीके से अपनी तर्क प्रस्तुत किए हैं और उसके पूरी की पूरी उसके इस जाति को धार्मिक और आध्यात्मिक और कानूनी इत्यादि इत्यादि का बाना पहना कि इनने की सारी की सारी धज्जियां उन्होंने जिस तरीके से उड़ाई है वो उस जमाने में तो प्रासंगिक था ही, आज के जमाने में प्रासंगिक है, बल्कि उस जमाने में बाबा साहब जो बात कह गए थे हिंदुस्तान की लोकसभा में भाषण देते हुए, उस कानून के मसौदे को पेश करते हुए, उस बात को कहना आजकल जोखिम का काम है, लेकिन ये बाबा साहब की हिम्मत थी। उन्होंने कहा था जब इस पर बहुत बहस हुई और कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं ने उसका विरोध किया और जनसंघ तो उस वक्त आंदोलन पर आ गया था कि ये क्यों किया जा रहा है और इससे हमारी संस्कृति और हिंदू सभ्यता पता नहीं क्या क्या खतरे में पड़ने वाला है, उस वक्त भाषण देते हुए बाबा साहब ने एक बहुत जोरदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक वकील के नाते अगर मुझे जज बनने का मौका मिलेगा, लोगों ने उदाहरण दिए थे कि हमारी रामायण में ये है और हमारी महाभारत में ये है, बाबा साहब ने बोलते हुए कहा था कि अगर आज की परिस्थितियों में मुझे चर्चा करने का मौका मिलेगा और न्यायाधीश बनने का मौका मिलेगा और राम और सीता का मुकदमा अगर मेरे सामने आएगा तो मैं एक न्यायाधीश के नाते प्रचलित कानूनों के हिसाब से राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाऊंगा। वो इस बात की पोल खोलते थे कि किस तरीके से हमारे आख्यानों को भी इस हिसाब से रचा गया है ताकि शोषण के इन पूरे के पूरे बाने को और खासतौर से जातिगत शोषण की जो जटिलता है उसको एक धार्मिक रूप दिया जा सके। इस बात को समझना आज खासतौर से बहुत ही आवश्यक है, इसलिए बहुत जरूरी है आज कि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो तथाकथित नेता हैं समाज के, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी शर्म और दिखावटी मर्यादा को ताक पर रख दिया है। ये चिन्मयानंदों, कुलदीप सेंगरों, आसारामों, गुरमीत राम रहीमों का युग है, ये नए आराध्य बनाए जा रहे हैं और जैसा कि हमेशा हुआ है इस बार भी वही हो रहा है कि जाति के शोषण का झंडा स्त्री की देह में गाड़ा जा रहा है। JNU की आयशे घोष निशाने पर नहीं है, AMU की, जामिया की, टिस की लड़कियां भी निशाने पर हैं जिन्हें IT सेल किस रूप में प्रस्तुत करती है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पढ़ती लिखती लड़कियां उन्हें खलती हैं, नौकरी करती हुई स्त्रियां उन्हें बहुत खलती हैं, वे उनको दड़बे में बंद कर देना चाहते हैं और ऐसे दड़बे में बंद कर देना चाहते हैं जिस दड़बे में वो उनको इस तरीके से दबा के रखेंगे ताकि एक जो शोषणकारी जो व्यवस्था है शोषणकारी व्यवस्था में उनका वर्चस्व कायम रखे। और ये केवल पुरुष का वर्चस्व का सवाल नहीं है, पितृसत्तात्मकता का एक जेंडर है लेकिन पितृसत्तात्मकता का असल में एक क्लास है और वो बड़ा क्लास ये है कि वो अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए इन सारे ट्रेडिशंस को और परंपराओं को इस्तेमाल करना चाहता है। और अगर ये बना रहेगा तो जाहिर सी बात है कि नागरिक का निर्माण नहीं हो पाएगा। बाबा साहब ये कहा करते थे कि हर नागरिक एक स्त्री की गोद में पढ़कर पलकर बड़ा होता है
और अगर वो स्त्री की गोद ही बेड़ियों में जकड़ी रहेगी तो एक अच्छे नागरिक का, एक लोकतांत्रिक नागरिक का विकास हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। ये उनका मामला था। तो इसलिए वो जो मानते थे कि उनका आदर्श समाज एक ऐसा समाज था जो आज़ादी, बराबरी और भाईचारे पर आधारित हो, उसको अगर कायम करना है तो उस अधूरे एजेंडे को पूरा करना होगा जिस अधूरे एजेंडे के खिलाफ वो लड़े थे, लड़ते लड़ते छोड़ गए थे, और जिससे ख़ास तौर से हम लोगों ने उस वक्त महसूस किया जब पिछले कुछ वर्षों के दौरान जब ये जो कंज्यूमरिज्म विकसित हुआ है, जब साम्राज्यवाद की और ज़्यादा घुसपैठ हमारे देश में हुई है, उसके बाद स्त्री की देह को जिस तरीके से हमले का निशाना बनाया जा रहा है, स्त्री के लोकतांत्रिक अधिकारों को, उसके जीवन अधिकारों को, उसके कपड़े पहनने के तरीकों को, उसके पढ़ने लिखने के अवसरों को, उसके जीवन के बारे में अपनी पसंद को जिस तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, ऐसे मौके में वो हमारे सामने हैं और वो हमारे साथ में रहेंगे। ये बाबा साहब थे जो इस मामले में पूरी तरीके से कंसिस्टेंट थे कि धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का राष्ट्र नहीं हो सकता। इसके बारे में अपन आगे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन एक और पहलू है जिसे ख़ास तौर से समझा जाना चाहिए, और पिछले कुछ वर्षों में ये परिदृश्य काफ़ी धुंधला करने की कोशिश की गई है। बाबा साहब को एक जाति का नेता, बाबा साहब को एक समुदाय का नेता बनाते हुए उन्हें बाकी की जातियों और समुदाय के खिलाफ इकट्ठा करने की कोशिश करनी की गई है। इस मामले को हमें समझना चाहिए कि बाबा साहब को भी ये मालूम था कि इस तरीके की घटना घट सकती है, उनका इस तरीके से दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए अपने विचार को व्यवहार में लाते समय प्रतीकों के, सिंबल्स के सिलेक्शंस के मामले में बाबा साहब बहुत मास्टर टैक्टिशियन थे। जब उन्होंने मनुस्मृति में आग लगाने का आह्वान किया तो महाराष्ट्र की ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष ने उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि मैं भी इस कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, मैं भी इस कार्यक्रम में एक दर्शक के रूप में शामिल होऊंगा, आप जलाइए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि मनु की किताब को आप खुद अपने हाथ से आग लगाइएगा, सहस्त्र बुद्धे से आग मत लगवाइएगा। सहस्त्र बुद्धे उनके बहुत घनिष्ठ सहयोगी थे और जन्म से ब्राह्मण थे, जाहिर सी बात है इसमें एक स्पष्ट चाल थी। महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष महोदय ये चाहते थे कि उनकी मौजूदगी में ये जले, एक महार इसको जलाए, और उसके बाद पूरे देश भर में और पूरे महाराष्ट्र भर में ये मामला जो है वो दलित वर्सेज ब्राह्मण के रूप में बदल जाए और उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कंसोलिडेट करने का मौका मिल जाए। बाबा साहब ने उनको साफ इनकार करते हुए चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि मनुस्मृति के साथ लड़ाई केवल दलितों या शूद्रों की नहीं है, जो भी समझदार और तर्कशील इंसान है, जो भी संवेदनशील व्यक्ति है उसकी है, जो भी मनुष्य समाज का विकास चाहता है उसकी लड़ाई है, इसलिए आप तो सहस्त्र बुद्धे ही लगाएंगे, आपको आना है तो आइए, नहीं आना तो मत आइए। ये काम उन्होंने केवल मनुस्मृति को लेकर नहीं किया, ये काम उन्होंने अपने अनेक सत्याग्रहों में भी किया, और वो जानते थे इस बात को जिसे लोगों के बीच में बहुत योजनाबद्ध तरीके से भुलाने की कोशिश की गई है। वो ये जानते थे कि जाति प्रणाली से लड़ाई एक जाति की दूसरी जाति से लड़ाई नहीं है, इस युद्ध को जातियों के खाचे में रखकर नहीं लड़ा जा सकता। हमारी चंबल में कहावत है कि नमक से नमक नहीं खाया जा सकता, तो एक जाति को संगठित करके दूसरी जाति के खिलाफ संघर्ष, दूसरी जाति के विरोध में संघर्ष, असल में जातिवाद को और ज़्यादा मजबूत करने का ही काम करता है। समूची जाति प्रणाली के खिलाफ संघर्ष ही बाबा साहब का पर्सपेक्टिव था, और उस तरीके से वो इस मामले में भी अपनी टैक्टिस को चुनने के मामले में भी, अपने प्रतीकों को चुनने के मामले में भी वो बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति थे। आज के समय की एक और ख़ास बात है, और हमारा समय है पोंगा पंथ की बहाली और अंधविश्वास की ताजपोशी का समय। थाली लोटा और बाल्टी बजाकर कोरोना को मनाया जा रहा है, दियाबाती करके उनकी आरती उतारी जा रही है, कोरोना जैसी बड़ी महामारी को लेकर भी जिस तरीके की अतार्किक मुहिम और किसी छोटे मोटे व्यक्ति की ओर से नहीं, शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति की ओर से चलाई जा रही है, जो इस बात की घोषणा करते हैं कि सबसे पहले की जो प्लास्टिक सर्जरी है वो हमारे यहाँ पर हुई थी और पता नहीं क्या क्या हमारे यहाँ पर हुआ था, अब वो इस बड़े महामारी को भी जो इस पूरे देश की जनता के अंदर हाइजीन को लेकर, बैक्टीरिया को लेकर, वायरस को लेकर, हेल्थ को लेकर एक साइंटिफिक टेंपर को विकसित करने का मौका हो सकता था, उसकी बजाय अंधविश्वास आ रहे हैं।
ये कोई अनायास नहीं होता। ये जितने भी अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं कि गौमूत्र से ये होगा और गोबर से ये होगा और किताब पढ़ने से ये होगा और आयतों के इन तीन हिस्सों को पढ़ने से ये होगा, ये सारे लोग जब खुद बीमार पड़ते हैं तो किसी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ही जाते हैं, तो वो खुद उसमें यकीन नहीं करते लेकिन बाकी लोगों को यकीन करवाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य ने अपनी जो अर्थशास्त्र की किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बताया कि राज किस तरीके से चलाना चाहिए, उसमें उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात लिखी और उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि राजा को ईश्वर में विश्वास नहीं करना चाहिए, अगर वो ईश्वर में विश्वास करेगा तो राज नहीं कर पाएगा, लेकिन राजा को जनता के अंदर ईश्वर में आस्था पैदा करनी चाहिए, क्योंकि अगर जनता ईश्वर में विश्वास नहीं करेगी तो भी राजा राज नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर को अंधविश्वास के स्तर तक पहुंचाने का काम हमारे यहाँ पर किया जा रहा है और तर्क और बौद्धिकता पर हमले इतने लगातार हैं कि ये सिर्फ हाल के हासिल को नहीं छीन रहे हैं, पिछली 5000 साल में जितने भी सबक हम लोगों ने सीखे थे, तमीज सलीके और शऊर को हमने हासिल किया था, उनको भी छीनने की कोशिश की जा रही है, उसको भी पूरी तरीके से नकारा जा रहा है। इंक्वायरी जांच परख और विश्लेषण को देशद्रोह का यार दिया जा रहा है। और मजेदार बात यह कि ये फर्जी राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रवाद की खाल ओढ़कर आया, ये सभ्य समाज की जितनी भी सारी पहचान है ना उन सबको चीत लेना चाहता है। असहमति विमर्श और संवाद से उसे डर लगता है, बौद्धिकता और तर्कशीलता से उसकी रूह कांपने लगती है। अनेक विविधताओं के बावजूद और विसंगतियों से भरे देश में उसका राष्ट्रवाद वास्तव में मनु का नया नाम है। ये एक ऐसा राष्ट्रवाद है, बाबा साहब इस बात में कहा करते थे कि जिस जब तक देश में सारे के सारे लोगों की बराबरी की कोई बात नहीं करता, वैसा जब तक एक देश, हमारा देश एक समानता के अधिकारों वाले नागरिकों के एक राष्ट्र में एक नेशन के रूप में विकसित नहीं होता, तब तक राष्ट्रवाद का मतलब है 3% 4% लोगों की तानाशाही को चलाने की कोशिश करना। और हम अपनी आंखों से देख रहे, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन राष्ट्रवाद है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने धमकी देते हैं कि अगर क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरोक्विन के टनों दवा उनके यहाँ पर अगर नहीं भेजी तो वो हिंदुस्तान को उसकी हैसियत में लाके रख देंगे, रिटेलिएट करेंगे। और हमारी सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से एक लाइन का वक्तव्य भी जारी नहीं होता। ये ऐसा राष्ट्रवाद है, ये दुम हिलाऊ राष्ट्रवाद है जिसके नाम पर उन्होंने भारत की पूरी संप्रभुता को, सोवर्निटी को और पूरी दुनिया भर में जो सम्मान था उसको गिरवी रख दिया। वो ये भूल गए हैं कि वो उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं जिस कुर्सी पर बैठे हुए इस राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने एक जमाने में पूरी दुनिया में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक ऐसा मजबूत संगठन बनाया था जिसने अपनी राजनीतिक और नैतिक मौजूदगी के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी बात मनवाने के लिए विवश कर दिया था। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये राष्ट्रवाद ट्रंप के सामने दुम हिलाने का राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद उन तमाम सारी नीतियों को मानने वाला है। तो दरअसल आप साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं हैं, आप पूरे देश की जनता की एकता के पक्षधर नहीं हैं, तो उसके बाद किस तरीके का राष्ट्रवाद? तो ये फर्जी राष्ट्रवाद है। और बाबा साहब ये कहा करते थे कि ये जिस तरीके के राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो हिंदुत्व के आवरण में लेके आते हैं, और ये हिंदुत्व नाम की जो चीज़ है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है। आज जब हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा जी को जेल भेजा जा रहा है। प्रोफेसर तेलतुंबड़े, उनके अंबेडकर साहब के साथ जो पारिवारिक संबंध है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसके अलावा प्रोफेसर तेलतुंबड़े अंबेडकर और उनकी विचारधारा के हमारे दौर के सबसे प्रखर जानकार हैं। तेलतुंबड़े पर हमला, अंबेडकर पर हमला। प्रोफेसर तेलतुंबड़े ने IIT के प्रोफेसर के रूप में जो योगदान दिया वो दिया, जो 30 किताबें लिखी, जो सैकड़ों पर्चे लिखे, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान में मार्क्सवाद के विश्लेषणात्मक टूल्स के साथ भारत के बारे में बाबा साहब के सिद्धांतों का विश्लेषण किया और उनकी जितनी भी एकांगी व्याख्याएं की जाती थी उनको उन्होंने सर्वांगी बनाने का काम किया, उनके उस विराट स्वरूप को आगे किया जो एक दलित नेता के रूप में उनको आइडेंटिफाई करने से ज़्यादा बड़ा था, और एक समकालीन सवालों के साथ जोड़कर किस तरीके से बाबा साहब
पूरे देश के लिए प्रासंगिक हैं उसको उन्होंने लिखने का और विश्लेषण करने का काम किया। आज वो जेल जा रहे हैं बाबा साहब की जयंती के दिन। एक प्रोफेसर को, एक सोशल एक्टिविस्ट को, एक मानवाधिकार कर्मी को, तमाम सारे वकीलों को हिंदुत्व की ताकतें और उनके फासिस्ट बिरादर देशद्रोही करार देकर जेलों में ठूस रहे हैं, इसलिए ताकि असहमति और प्रतिरोध की सारी संभावनाओं को समाप्त किया जा सके। ये गंभीर आयाम है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि दांव पर क्या लगा है। मुझे लगता है इसे थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिव में जाकर देखना होगा और हमें ये मानना होगा कि गुलामी 1757 में प्लासी की लड़ाई को हारने के बाद शुरू हुई थी इस देश में, जो 190 साल तक चली। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, असल लड़ाई जो है पूरे देश भर के पैमाने पर, वो 1857 में हुई थी। और 1857 से लेकर 1947 के बीच के 90 साल में, खासकर 1919 के जलियांवाला बाग के नरसंहार के बाद से भारत में जो तेजी के साथ मंथन हुआ, वो मंथन तीन सवालों को लेकर था। ये वो लोग थे जो लड़ भी रहे थे, जो रूस भी निकाल रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, धमाके भी कर रहे थे, फांसी पे भी जा रहे थे, लाठी भी खा रहे थे, जेलें भी जा रहे थे, लेकिन इसी के साथ साथ विचार विमर्श भी कर रहे थे। और विचार विमर्श करते वक्त वो ये कह रहे थे कि उनके तीन मुद्दे थे, वो चाहे गांधी की धारा हो, चाहे भगत सिंह की धारा हो, चाहे वो लाल डंडे वालों की धारा हो, चाहे वो जातिगत शोषण के खिलाफ संघर्ष करने वाले सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट की धारा हो। उनकी चर्चा केवल इसी बात को लेकर केंद्रित थी कि हम गुलाम क्यों हुए, इसकी का विश्लेषण किया जाए, हम आज़ाद कैसे होंगे इसके बारे में जानकारी ली जाए, और आज़ादी के बाद हम करेंगे क्या, ऐसा क्या करेंगे ताकि दोबारा से गुलाम बनने की नौबत नहीं आए। और इसी का दस्तावेज है भारत का संविधान। इस पूरी सारी बहस का एम्बॉडीमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे इस देश ने केवल संविधान सभा की 150-200 बैठकों में बैठकर ही अंतिम रूप नहीं दिया था, बल्कि जिसे इस देश की जनता ने 90 साल की लड़ाई में और खास तौर से 29 साल की जबरदस्त कुर्बानी वाली था, चाहे वो कराची का कांग्रेस हो, चाहे वो 1921 में पेश किया गया कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव हो, जिसमें पहली बार इस देश में कागज में लिखकर ये बात आई थी कि हम इस देश को सारे लोगों के सार्वत्रिक बालिग मताधिकारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें संसदीय लोकतंत्र होगा और संसदीय संस्थाएं सर्वोच्च होंगी, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा। उन सबको पलटने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए इस दस्तावेज में एक बात खास तौर से जोर दी गई थी, और वो ये थी कि भारत के संविधान ने नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित किया। उन कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है 51AH, उसमें कहा जाता है कि हर नागरिक अपने और अपने देश के अंदर जांच परख की, इंक्वायरी की क्षमता और वैज्ञानिक रुझान, साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करेगा, थाली लोटा बाल्टी नहीं बजाएगा। कोरोना और मोरोना, इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है, इस पर आजकल बहुत बहस चल रही है सोशल मीडिया में खास तौर से, क्योंकि बहस की जगह अब सोशल मीडिया ही बचा है। लेकिन असल वायरस दूसरा है, और असल वायरस का नाम है कॉरपोरेटी हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब वो जिसे सावरकर साहब ने कॉइन किया था, और उन्होंने हिंदुत्व को पहली बार इस शब्द का ईजाद करते हुए ये कहा था कि इसका हिंदू धर्म की परंपराओं और मान्यताओं के साथ कोई संबंध नहीं है, ये राज करने की एक प्रणाली है। हिंदुत्व का मतलब है मनुस्मृति का म्यूटेट फिजिकल वर्शन वायरस का। ये एक ऐसा वायरस है जो मनुस्मृति के नाम पे बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन अब उसने म्यूटेशन करने के बाद एक फिजिकल रूप धारण कर लिया है। और ये मानता है कि लोकतंत्र हेड काउंट्स है, मुंडगणना है नहीं चाहिए, सबकी समानता और बराबरी की धारणा भारतीय अवधारणा नहीं है, नहीं चाहिए। संविधान पश्चिम से आया है, भारतीय परंपराओं में नहीं है, हमारी परंपराओं में स्मृतियां हैं, इसलिए संविधान नहीं चाहिए। चाहिए क्या? एक बंद समाज चाहिए, कुछ मुट्ठीभर लोगों का राज चाहिए, मॉब लिंचिंग करने वाला हिंसक और पाशविक माहौल चाहिए। और जो लोग इस गलतफहमी में हैं
कि इनके सूत्र की परिभाषा वही है, तो वो ये याद रखें कि ये म्यूटेटेड म्यूटेट फिजिकल वर्शन है मनु स्मृति का, और भी ज्यादा सांघातिक। उनकी निगाह में शूद्र केवल जन्मना शूद्र नहीं है, शूद्र बाई बर्थ नहीं है, उनके लिए शूद्र